करके बड़ा दुख हुआ कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही रूप वाला है, मेरी जाति का जैसा लग रहा है, फिर ये कर क्या रहा है, ये बिष्टा की गोलियां क्यों बना रहा है सारे दिन, ये गंदी चीज को क्यों मुंह में ले लेके इसी को खाता है, इसी को गोली बनाता है, इसी को बिलों में जमा करता है। उसको बड़ी दया आई, बड़ी दया आई तो नीचे उतरा और उसको राम राम किया कि भैया राम राम, तमोगुणी जीव है भौरा नीचे, जो नीचे काम में लगा हुआ था बिष्टा की गोलियां बनाने। एनीवे उसने पूछा कि क्या काम है, क्यों राम राम कर रहे हो, कोई जरूर स्वार्थ होगा तुम्हारा। बोलो नहीं ये बात नहीं है, तू मेरा जाति बिरादरी का भाई जैसा है, तू भी भौरा ही है, मैं भी भौरा हूं, चल तुम एक दिन मेरा अतिथि बन जा, मेरे साथ चल। काफी प्रार्थना की तो ये बिष्टा का भौरा मान गया कि कितनी दूर जाना पड़ेगा, अरे ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा उड़ान भरेंगे पहुंच जाएंगे, मेरा अतिथि बने एक दिन। तो मान गया ये बिष्टा का भौरा और दोनों भौरे उड़ने लगे रानी के बाग की ओर जाने लगे। तो रास्ते में ये बिष्टा का भौरा बोलता है कि जरा तुम यहीं ठहरो, मैं कोई आइटम भूल गया लाना, मैं लेके आता हूं। तो बाग के भौरे ने कहा कि ठीक है मैं यहां बैठता हूं, तुम जल्दी आना। बोला हाँ मैं अभी आया। तो ये बिष्टा का भौरा वापिस आया अपने बिल में और कोई आइटम भूल गया उसको लेके, उड़ वापिस चल पहुंच गया। दोनों उड़ के और रानी के बाग में पहुंचे तो रानी के बाग का जो भौरा था वो इस बिष्टा के भौरे को फूलों पर बिठाता है, कभी गुलाब के फूल पर बिठाता है और पूछता है कि खुशबू आई। तो बिष्टा का भौरा बोलता है कि नहीं मुझे कोई खुशबू नहीं आती। अच्छा, तो मोगरा चंपा जूही कमल तरह तरह के फूलों पर बिठाता है और हर फूल पर जाकर पूछता है खुशबू आई। लेकिन ये बिष्टा का भौरा को तो खुशबू नहीं आती, ये बोलता मुझे नहीं आई। तो बागों का भौरा रानी का बाग का भौरा बहुत चिंता में डूबा कि इसको खुशबू क्यों नहीं आती है, सारा बाग विभिन्न नाना प्रकार की खुशबुओं से महक रहा है और इसको बार बार जगह जगह फूलों पर ले जाता हूं, खुशबू क्यों नहीं आती, कारण क्या। आखिर चिंतन करने के बाद में बागों वाला भौरा बोला कि मेरे भाई जरा तुम्हारा मुंह खोलो। तो बिष्टा के भौरे ने मुंह खोला तो बिष्टा की गोली बना के मुंह में रख के लाया, उसी के लिए तो वापस गया था रस्ते में से। तो बाघों का भौरा बोलता है फिर इसको खुशबू कैसे आएगी, जिस व्यक्ति ने मुंह में बिष्टा की गोली रख रखी है उसको खुशबू कैसे आएगी। तो उसने कहा अरे रे रे आओ मेरे साथ आओ। तो जब पानी का स्थान था, बाग के अंदर पानी का तालाब सरोवर था, उसके किनारे ले गया और कहा कि इसको थूको गोली को, मेरे कहने से थूक दो, यहां खाने पीने की कोई कमी नहीं है, आप इस चिंता में गोली रख के लाए कि पता नहीं बागों में कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं। अरे यहां तो आपको सब कुछ मिलेगा, नाना व्यंजन मिलेंगे, पहले तुम इस बिष्टा की गोली को तो थूको। तो थूक दिया कैसे भी करके बुरे मन से और कहा कि मुंह भी धो लो जरा। तो मुंह भी धोया, स्नान कराया तालाब में, फिर उसको फिर तो ना फूलों पे ले जाए, कहने लगा अरे तुम्हारा तो ये बाग बहुत महकता है, अरे रे मेरे सारे नासा फुट भर गए, खुशबू ही खुशबू जिधर देखो उधर, ये तुम तो बड़े आनंद में रहने। बोला मेरे भाई इसीलिए मैं तुम बुलाया, तुम आज से उपिष्टा की गोलियां बनाना बंद कर दो, तुम बिल्कुल मेरी जात के हो, तुम भी भौरे मैं भी भौरा, अरे तुम मेरे साथ यहां रहो, मुझे एक मित्र की आवश्यकता भी है बातचीत करने के लिए। उस दिन से वो भौरा
बाघों के भौरे के साथ रहने लगा और आनंद लेने लगा। इसलिए सत्संग या साधु संग मिलता नहीं, कोई गीता भागवत की कथा सुनने को मिलती नहीं, मिलते हैं सिर्फ टीवी के मनोरंजन कार्यक्रम और तरह तरह के जो प्रचार के लिए दिए जाते हैं, इश्तिहार, कॉलगेट और हमाम साबुन, वाट एवर, उनको ये देखने लगे रहते हैं। संसार की सब प्रकार की निंदा स्तुति में, मैं मेरे में, इन्हीं में जीवन चला जाता है। तो कैसे मनुष्य अपने आप को पहचाने, और कैसे धर्म को पहचाने, कैसे भगवान को पहचाने, कैसे भगवान की सत्ता को पहचाने। भगवान कहते हैं अनंत को मैं सृजन करता हूं, मेरी सृष्टि है, फिर भी मैं इससे अलग हूं, देखो मेरी योग शक्ति। अर्जुन, भगवान अभी अपनी योग शक्ति को दिखला रहे हैं कि मैं कौन हूं। अर्जुन, जरा मुझे पहचान। अर्जुन तो भगवान को पहचानते हैं, तब तो उनके मित्र बने हुए हैं, अंतरंग सखा। लेकिन हम सब अर्जुन आत्मा, अर्जुन रूपी आत्माएं जो इस मन के चक्कर में पड़ के संसार के भोगों में उतरे हुए हैं, आक्रोध मदमोह मत्सर इत्यादि शत्रुओं से घिरे हुए हैं, उनके लिए उपदेश करना अत्यंत आवश्यक हो गया है अर्जुन के माध्यम से, उनके कल्याण के लिए। इससे भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू मेरा योग शक्ति को तो देख, योगेश्वरम, योग ऐश्वर्य तो देख, मैं तमाम सृष्टि का सृष्टि करता हूं, फिर भी मैं इस सृष्टि से अलग हूं। सब भूत भिन्न, सब भूत प्राणियों के अंदर भी मेरा वास है, फिर भी मैं सब भूत प्राणियों से अलग हूं। भूतस्तो, ये तमाम भूत, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षितिज, तविस्तो, जितने भी, सबके अंदर मैं हूं। तो सब भूतस्तो, ये सब, फिर भी मैं इनसे अलग हूं। मम भूत भावना, ये सब मुझसे ही पैदा होते हैं, मुझसे प्रकट होते हैं, मैं इनकी सृष्टि करता हूं, फिर भी मैं इनसे अलग हूं। ये मेरी योग शक्ति है, मैं इनके अंदर नहीं हूं, न मैं किसी परम धाम के भीतर घुस के बैठा हूं, ना मैं कोई ब्रह्म ज्योति के अंदर घुस के बैठा हूं, ना कोई वैकुंठ धाम के अंदर घुस के बैठा हूं, ना कोई भौतिक संसार के ब्रह्मांड के अंदर, ना कोई पृथ्वी ग्रह उपग्रह के अंदर घुसकर मैं बैठा हूं, मैं इनके अंदर नहीं हूं। जबकि ये सब मेरी रचना है और मेरा वह सर्वत्र है, आई एम द ओमनीप्रेजेंट, मैं सब जगह में, मेरा वास है, फिर भी मैं इनके अंदर नहीं, फिर भी अलग हूं। तो भगवान श्री कृष्ण परम शक्ति हैं, परम भगवान हैं, उनसे जो सब सृष्टि निकली है, हम सब जीव आत्माएं निकली हैं, और सर्वत्र उनकी शक्तियां हैं, मैटेरियल नेचर है, भौतिक शक्ति, भौतिक स्वभाव और आध्यात्मिक स्वभाव, मैटेरियल नेचर, उनकी शक्तियां हैं, एनर्जीज हैं, एक्सटर्नल पोटेंसीज, इंटरनल पोटेंसीज, ये सर्वत्र व्याप्त है। और सब जगह भगवान की प्रेजेंस है उनके माध्यम से, लेकिन वो अपनी परम स्थान पर है, परम भक्त, शुद्ध भक्तों के आगोश आलिंगन में है, उनके साथ रहते हैं, उनकी बहुत सिंपल सुंदर दिव्य लीलाएं हैं, जिनको जानने के लिए हृदय का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अपने परम धाम में भी भगवान श्री कृष्ण परम वेश में, गोपाल स्वरूप में रहते हैं, ग्वाले के रूप में,
और नित्य ही दिव्य गायों का गोचार, गायों को चराने जाते हैं सुंदर हरियाली में, हरे घास में, और ग्वालों के साथ में अपने शुद्ध भक्तों के से घिरे हुए रहते हैं। तो परम परमेश्वर का रूप अचिंत्य रूप है, हमारी बुद्धि से परे है, इसलिए हम नहीं पहचान पाते। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा से हमको ये आत्मज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञान से भक्ति करने से भगवान की जानकारी होती है। विशेष रूप से भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। वही मेरे धाम का, धाम में प्रवेश करने का अधिकारी बनता है जो भक्ति करता है, भक्ति से मुझे पहचान सकता है। भक्ति से ही श्रद्धा उदय होती है, भगवान की सेवा करने से श्रद्धा उदय होती है, बिना सेवा श्रद्धा उदय नहीं होती। श्रद्धा के बिना भक्ति तो कैसे होगी? श्रद्धा के बिना भगवान से प्रेम कैसे होगा? नैच मत स्थानी भूतानी पश्चिमे योगम ऐश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। ये तमाम सृष्टि में जितने भी अंश हैं, ये सब मेरे से मेरे अंश हैं। हम सब भगवान के छोटे छोटे अंश हैं। केशाग्रे शतभागस्य शतांशः साधसात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपो अयम संख्यातीतो हि चित्कणः। असंख्य चिदानंद कण, चित्कणा यानी ये स्पिरिचुअल आत्माएं, सच्चिदानंद आत्माएं जो असंख्य में फैली हुई है, असंख्य आत्माएं। भगवान कहते हैं कि ये जो है केश के आगे की नोक के 10,000 टुकड़े किए जाएं, उनमें से एक टुकड़ा, इतना सा स्वरूप आत्मा का है। जरा करके देखिए, आपके बाल की आगे की नोक के 10,000 टुकड़े कीजिए तो एक टुकड़ा उठाइए, उतना सा आपका स्वरूप है, उतना आत्मा का स्वरूप है जो इस शरीर में बद्ध है, शरीर में स्थिर है, जिसके कारण से ये शरीर है। ये आत्मा छोटा सा कण अगर निकल जाए शरीर से तो ये शरीर पड़ा रह जाता है, उसको मृत्यु कहते हैं डॉक्टर लोग, कि मृत्यु हो गई भैया इसकी, मर गया, ले जाओ अंत्येष्टि कर दो। वो कण था तब तक इसका हलन चलन थी, नाचता था, गाता था शादी बरातों में, ब्याहों में, नारेबाजी लगाता था, नेता बनता था, सभी कार्य करता था इस आत्मा के, इस कण के कारण। कण निकल गया, यह आत्मा, यह आपका स्वरूप है, जीवन स्वरूप है। नित्य कृष्ण दास चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये जीव का, इस कण का स्वरूप जो है, असली स्वरूप कृष्ण का दास बना रहना है, ये इसकी स्थिति है। कृष्ण का दास, जब ये कृष्ण के दास दास दासित्वता को भूल जाता है, दासता को भूल जाता है, तब जाके ये दुखों में उतरता है, उस आनंद को छोड़ करके, उस परमानंद को छोड़ करके अपने स्वरूप को भूल जाता है कि मैं कौन हूं और क्या मेरे कर्तव्य हैं। आप हम सबका भगवान श्री कृष्ण पिता है, वो गोविंद पिता है, वो नारायण पिता है, ओरिजिनल फादर है, आपका पिता है। बाकी तो ये शरीर के, मिट्टी के पुतले के माता पिता बहन भाई जन्म जन्म होते हैं, जितने जन्म आपके हुए हर बार हुए हैं, चाहे कुत्ते बिल्लियों में जन्म हुए हो या भेड़ बकरियों में हुए हो या नर बानरों में, जहां भी देव किन्नरों में आपके माता पिता होते हैं।
ये शरीर के माता पिता होते हैं, शरीर आत्मा के नहीं। आत्मा के पिता तो वासुदेव श्री कृष्ण है। तो उस असली पिता को भूल करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं? नहीं, उनको प्रसन्न करके ही हम सुखी हो सकते हैं, उनकी ओर चल के ही हम सुखी हो सकते हैं, उनको पहचान के ही जीवन यापन करना चाहिए। यह अपना स्वरूप पहचानना है। जीवरो स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ये नहीं कल हम दास थे आज नहीं रहेंगे, नहीं, नित्य सतत। ये भक्ति भगवान की भक्ति की ओर पहला चरण है, कदम है, कदम बढ़ाना है कि भगवान को पहचान जाना और अपनी अपने आप को पहचान जाना। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणी भूतानि मतस्थानि इत्युपधार। जैसे आकाश में वायु रहता है, आकाश यानी जहां पर भी आकाश है, स्पेस है, वहां पर वायु रहता है, वायु देवता, विंड। तो ये आकाश तो बहुत विस्तार में है, ये मेटेरियल वर्ल्ड का आकाश बहुत विस्तार में है, जिस आकाश में अनंत ब्रह्मांड है। विजिबल फॉर्म्स हैं, सृष्टि है भगवान की, ये आकाश के अंदर। आकाश भी सृष्टि का ही पार्ट है, लेकिन आकाश सूक्ष्म तत्व है, आंखों से नहीं दिखता, लेकिन स्थूल तत्व इसके अंदर लटके हुए हैं। भगवान कहते हैं जैसे आकाश में वायु रहती है, अग्नि रहती है, जल रहता है, अर्थ पृथ्वी रहती है, आकाश में तो ये दूसरे चार तत्व विराजमान है। कहिए कि 24 तत्व आकाश में ही विराजमान है, लग तो ऐसा ही रहा है। भगवान कहते हैं जैसे आकाश में वायु रहती है, ऐसे ही ये तमाम अनंत ब्रह्मांड, वैकुंठ जगत, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, तमाम अनंत ये मेरे अंदर है। ये मेरे अंदर विराजमान है, मेरे अंदर रेस्ट कर रहा है तमाम। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणी भूतानी मतस्थानी उपधार्य। ठीक उसी प्रकार से ये तमाम ब्रह्मांड, इंक्लूड आकाश, इंक्लूड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इंक्लूड स्पिरिचुअल प्लैनेट्स आर विद इन मी। इसको जानने के लिए थोड़ा सा फिर से बताता हूं आपको, क्योंकि ये तमाम भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार ये सभी भगवान के परम धाम से प्रकाशित जो अनंत सूर्यो जैसा प्रकाश है, जिसको ब्रह्म ज्योति नाम से कहा है, ये ब्रह्म ज्योति के अंदर स्थित है। ब्रह्म ज्योति के अंदर 1/4 हिस्से में ये अनंत ब्रह्मांड भौतिक ब्रह्मांड है और 3/4 हिस्से में स्पिरिचुअल धाम है। ब्रह्म ज्योति में जैसे आकाश में एक दिशा में कुछ बादल खड़े हो जाए, ऐसे ही एक कॉर्नर में, ब्रह्म ज्योति के एक कॉर्नर में ये मैटेरियल वर्ल्ड भी है, 3/4 कॉर्नर में स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के धाम से निष्कासित एक प्रकाश है। इसलिए भगवान ने कहा है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्ययस्य च,
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। ये ब्रह्म ज्योति का जो शाश्वत है, अजर अमर है, आनंद स्वरूपा है, धर्म स्वरूपा है, आई एम द बेस ऑफ दिस ब्रह्म ज्योति, इसका आधार मैं हूं। कृष्ण भगवान कहते हैं किस ब्रह्म ज्योति का आधार मैं हूं। ये ब्रह्म ज्योति में सब है, तो भगवान की, भगवान का प्रकाश है ये ब्रह्म ज्योति, तो प्रकाश में सब है। ऐसे ही जैसे कोई देश का प्रेसिडेंट कहे कि ये तमाम सिटीजन्स मेरे अंदर वास करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कह रहा कि वो उसके शरीर के अंदर सब लोग नहीं, मेरे देश में वास करते हैं, ये देश का राजा मैं हूं, ये मेरा देश का विस्तार है, इसमें ये सब घर बने हुए हैं, प्राणी जन रह रहे हैं, ये मेरे अंदर ही रह रहे हैं, मेरे घर के अंदर रह रहे हैं, मेरे देश के अंदर रह रहे हैं, मेरे अंदर रह रहे हैं, ये सबका मेरे हृदय में वास है, मैं इनको पहचानता हूं, जानता हूं कौन कौन सिटीजन कहां कहां है, कौन कौन अफसर कहां कहां है, मैं इस देश का राजा हूं, प्रेसिडेंट। भगवान उसी प्रकार से कह रहे हैं कि सारे अनंत सृष्टि मेरे अंदर है, ऐसे ही जैसे आकाश के अंदर वायु सब जगह विद्यमान होता है, इसके आगे के श्लोकों में जब हम चलते हैं तो इसका ज्यादा स्पष्टता से पता चलता है। भगवान कह रहे हैं कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिका मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिका कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। कल्प यहां पर कहा है प्रलय का, महाप्रलय का, जब कल्प आता है तो तमाम ब्रह्मांड, भगवान कहते हैं कि मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान की प्रकृति क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, प्रकृति यानी स्वभाव, भगवान का स्वभाव क्या है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्वभाव। तो महाप्रलय में जो ये अनंत ब्रह्मांड चले जाते हैं अति सूक्ष्म रूप में, ये अपनी मूल प्रकृति में चले जाते हैं, और मूल प्रकृति स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, शाश्वत है, जिसमें कभी बदलाव नहीं आता। भौतिक प्रकृति में बदलाव आता है, भौतिक स्वभाव में बदलाव है, आध्यात्मिक स्वभाव में बदलाव नहीं है, वो स्पिरिचुअल नेचर है। भगवान कहते हैं कि मेरी प्रकृति को, ये सारे महाप्रलय में सब मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी भगवान कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल नेचर को प्राप्त हो जाते हैं, आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं महाप्रलय में। सारे भौतिक तत्व भी, ये सब आत्माएं भी, सारी अनंत आत्माएं महाविष्णु के गर्भ में चली जाती हैं, वहां ही उनको स्पिरिचुअल स्वभाव मिल जाता है, क्योंकि भगवान के पेट में है महाप्रलय के समय। कल्प क्षय पुनस्तानी कल्पादो विसृजाम्य हम, और जब कल्प खत्म होता है, वो प्रलय का प्रलय काल जब खत्म हो जाता है, तब वापिस मैं पुनः सृष्टि करता हूं। तो यहां पर मैं आपको प्रलय और सृजन का थोड़ा सा अनुभव देता हूं। प्रलय क्या है और सृष्टि क्या है, मूल प्रकृति को भगवान क्षुधित करते हैं यानी विकार युक्त करते हैं, तो उसमें से सबसे पहले अहंकार प्रकट होता है। यह संसार नहीं होता, ये अनंत ब्रह्मांड नहीं होते, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं होते, भगवान श्री कृष्ण
गीता में आगे चलकर कहेंगे इस बात को कि जब मैं इस मूल प्रकृति को गर्भवती करता हूं, विकार युक्त करता हूं, तब इसमें से अहंकार पहले प्रकट होता है। यह अहंकार तीन जगह विभाजित होता है, जिनसे इसका नाम तीन तरह से जाना जाता है, तमोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार, सतोगुणी अहंकार। अहंकार में विकार हो जाने से ये तीन जगह डिवाइड हो जाता है, तमोगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी। तमोगुणी अहंकार से निकलते हैं पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। रजोगुणी अहंकार से निकलती हैं इंद्रियां, दसों इंद्रियां जो हमारे शरीर में है, तमाम ब्रह्मांडों में है, ये कॉस्मोस लेवल पर बातें हैं। ये रजोगुणी अहंकार से प्रकट होती हैं हमारी दसों इंद्रियां और बुद्धि। सतोगुणी स्वभाव अहंकार से प्रकट होता है मन। इस प्रकार से ये मूल अहंकार जो प्रथम निकला है मूल प्रकृति से, ये 24 तत्वों में विभाजित होता है। 24 तत्वों में हमारी 10 इंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियां हो गई। 5 ज्ञानेंद्रियों की अधिष्ठात्री देवता हैं रस, रूप, गंध इत्यादि 15, अहंकार, मन, बुद्धि है 15 और 3 18, और पंच महाभूत 18 और 5 23, और 24वें नंबर पर है स्वभाव, नेचर, मूल नेचर, मूल प्रकृति, मूल नेचर, ओरिजिनल नेचर। ये 24 तत्व मिलके ये संसार को विजिबल बनाते हैं, दृश्य जगत बनाते हैं, दृश्यवान बनाते हैं, तो हमको दिखाई देने लगते हैं अपने शरीर भी, ये सूर्य, चांद, तारे भी, जल, समुद्र इत्यादि विजिबल होते हैं। ये यूनिवर्स विजिबल होता है 24 तत्वों की मिलन से। ये सब उस मूल अहंकार से प्रकट होते हैं। सृष्टि इस प्रकार से नीचे उतरती है। आकाश विकार युक्त होता है तो वायु रूप में परिणित होता है, वायु विकार युक्त होती है तो अग्नि रूप में परिणित होती है, अग्नि में विकार आता है तो जल रूप से परिणित होती है, और जल में विकार आता है तो पृथ्वी रूप से परिणित होता है, बदलता है। इस प्रकार से सृष्टि नीचे उतरती है। ब्रह्मा जी 84 लाख योनियों की रचना करते हैं, 84 लाख योनि, ये ब्रह्मा जी की रचना है। विश्वकर्मा जी भी उनके साथ बड़े इंजीनियर हैं। ये परमात्मा के सब नौकर हैं, सर्वेंट, दासानु दासानु दास हैं। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व का अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। वो गोविंद सब कारणों का कारण है। He is the cause of all causes. He is the source of all sources. परम कृष्ण, वो परमेश्वर है, परम आकर्षण है उनके अंदर।